हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। जैसा कि बच्चों आप लोग को पिछले क्लास में वॉइस ग्रामर पोर्शन में आपको वॉइस शुरू किया गया था, तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर मैंने आपको वॉइस का डेफिनेशन, वॉइस का टाइप्स, एक्टिव और पैसिव का डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था। हालांकि पिछले क्लास में आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वॉइस इज नोन एज हाउ टू चेंज ए बी टू पी बी। तो आपको ए बी टू पी बी कैसे बनाना है, इस बात की जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ पर समस्या ये उठता है अब कि कैसे किसी क्वेश्चन को आगे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाए। तो चलिए मैं आपको फिर से बता दूँ कि किसी भी एक्टिव को पैसिव से चेंज करने के लिए आपके पास टेंस का जानकारी होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही लेसन फर्स्ट में पढ़ा चुका हूं। साथ ही साथ आपके टेंस के साथ जो मैंने आपको कल बताया कि हाउ टू चेंज ए बी टू पी भी, एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है, इस बात को खास और इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना होगा कि कौन सा स्टेप क्या कहता है और कौन सा स्टेप में क्या परिवर्तन आते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो आपका वॉइस का लेक्चर थर्ड होने वाला है, इस लेक्चर में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा जिसकी मैं आपकी जानकारी पहले दे देता हूं। तो चलिए आगे बढ़िए। यहां पर सबसे पहले लेक्चर थ्री, वॉइस का लेक्चर थ्री। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या चीज दिखाया जाने वाला है, क्या क्या चीज पढ़ाया जाने वाला है, इस बात की जानकारी पहले आप ले लें ताकि आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें, ओके। तो चलिए बच्चों यहां पर मैं पहले बता दूं कि आज लेक्चर थ्री के अनुसार आपका क्या होने वाला है। जो तो चले सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूं कि आज लेक्चर थ्री जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें आपको यह बताया जाएगा कि कौन सा रूल कैसे फॉलो किया जाता है। तो देखिए आपका टॉपिक है, कल मैंने आपको बताया था कि हाउ टू चेंज ए बी टू पी भी, इसकी जानकारी मैं शॉर्ट, इन शॉर्ट मैं आपको फिर से रिकैप कर देता हूं। आपका जो पहला स्टेप था कि ध्यान दें कि ये आपका हो गया ए बी का पैटर्न और ये साइड हो गया आपका क्या पी भी का। तो चलिए कि ए बी से पी भी चेंज करने के लिए आपको कुछ खास टॉपिक्स थे जो पांच टॉपिक्स कहलाता है, मैं उसको जरा आपको बता दूं। आपका सबसे पहला आया था स्टेप वन, कल का टॉपिक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को दिक्कत हुआ होगा वो फिर से समझ लें कि सबसे पहले जो ए बी का ऑब्जेक्ट है वो क्या करना है, आपको पलटना है पी भी के किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन इस तरह से रहा आपका देम, तो देम क्या कर देंगे जी, इसको पलट देंगे हम देम में। यह आपका हुआ फर्स्ट स्टेप। आगे आ जाए स्टेप नंबर टू के अनुसार, सपोज दैट क्वेश्चन रहा भी वन या भी फाइव जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट को शो करता है, उसके लिए आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब रूप में इज या एम या आर भी आ सकते हैं, बट इज एम आर इज ओनली डिपेंड ऑन न्यू सब्जेक्ट, ओके, न्यू सब्जेक्ट ऑफ पी भी। अब आइए आपको यहां मैं बता दूं नंबर थर्ड, नंबर थर्ड में देखना है क्या है आपको कि अगर क्वेश्चन में भी वन हो या भी टू हो, इस तरह से आपका कुछ भी रह सकता है, कोई भी वर्ब का फॉर्म रह सकता है। एनी हाउ जब भी आपका पैसिव आएगा वो केवल भीतरी आएगा, यानी ऑलवेज भीतरी। आगे आ जाइए स्टेप नंबर फोर, इसमें बताया गया था कि ऑलवेज भी थ्री के ठीक बाद आपको क्या करना है कि ठीक बाद आपको प्लस बाई लगाना है, जिसको कि हम ऐसे बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर ग्रुप में कि भी थ्री प्लस वाई, ये आपका हो गया चौथा स्टेप। अब आइए एक लास्ट स्टेप नंबर फाइव जो कि फर्स्ट का अपोजिट है। आप देखा ध्यान से अपने स्क्रीन पे कि फर्स्ट में क्या लिखा गया आपका कि ए बी का जो ऑब्जेक्ट है वो पी बी का सब्जेक्ट, ठीक उसी तरह से अगर ए बी का आपका क्या रहेगा सब्जेक्ट, जो क्या पलटेगा जी पी बी का ऑब्जेक्ट। सपोज दैट अगर क्वेश्चन रह गया बी, तो बी को आप क्या करेंगे पलटेंगे अस में। तो ये है आपका पांच स्टेप जिसे मैंने कल पढ़ा दिया है, आज का क्लास में मैंने आपको रिकैप बता दिया। इसी पांच स्टेप से आप सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। कल मैंने एक बात और बताया था आपको कि एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको 50% जो क्वेश्चन है वो टेंस के पैटर्न के होंगे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर।
तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपके पास ये पांच स्टेप्स का होना बहुत जरूरी है। जिस पांच स्टेप को मैंने बताया अभी, ये पांच स्टेप आपको कंसेप्ट क्लियर कर लें ताकि टेंस का एक्टिव से पैसिव में दिक्कत ना हो। जब टेंस के बाद आपको आउट ऑफ टेंस का स्ट्रक्चर बताया जाएगा तो वहां पर इस तरह का पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए नए नए तरीके होंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स होंगे और नए नए कॉन्सेप्ट होंगे जिसे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं शुरू करूंगा टेंस। पहले टेंस का वॉइस बनाना होगा आपको, पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। तीनों टेंस को पहले एक्टिव से पैसिव सीखना होगा, तब जाकर के आपको एक्स्ट्रा चीज सीखना होगा कि वॉइस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कैसे एबीसी पीपी में चेंज किया जाता है। तो चलिए आज का आपका कंटेंट मैं बता दूं कि आपका जो कंटेंट है वो क्या पढ़ने का है। तो सबसे पहले आ जाइए, पहला जो आपका टॉपिक आज का होने वाला है वो आपका होने वाला है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इसमें आपको देखना है क्या, वॉइस। इस वॉइस में सारे प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन रहेगा, ये भी में दिया हुआ, और चेंज करना होता है पी भी में। इट मीन्स कि आज के टॉपिक में केवल एक लेक्चर यानी एक टॉपिक बताया जाएगा आपका कि हाउ टू चेंज ए भी टू पी भी ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो अकॉर्डिंग टू टेंस आई हैव टाउट यू प्रेजेंट टेंस हैज फोर टाइप्स। नंबर वन प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर टू कंटिन्यूअस, नंबर थर्ड परफेक्ट एंड नंबर फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पूरे प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। आपको दो तरीके से वॉइस को पढ़ाया जाएगा, ये समझने कंटेंट, लॉन्ग मेथड विथ शॉर्ट मेथड। जिन बच्चों को लॉन्ग मेथड पसंद पड़े वो लॉन्ग मेथड से याद करें, लॉन्ग मेथड से उसको समझें। लेकिन जिन बच्चों को लगे नहीं मैं इंस्टेंटली शॉर्ट ट्रिक में कम समय में बनाऊं, तो आप शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट बोथ आर सेम। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग मेथड को समझते हो या फिर शॉर्ट मेथड को। आंसर दोनों का सेम आएगा, दोनों रूल सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका और समझाने का तरीका डिफरेंट होता है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर आपका यहां से शुरू किया जाता है कि हाउ टू चेंज ए भी टू पी भी ऑफ एनी प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये था आपका आज का शॉर्ट समरी कि आज के कंटेंट में, आज के टॉपिक में आपको क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा। तो आपके आज के टॉपिक में आपको प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर्स को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सिखाया जाएगा कि कैसे आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप आइए रूल नंबर फर्स्ट, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि रूल फर्स्ट को शुरू करने से पहले आप पांच स्टेप्स, ओके, हाउ टू चेंज ए बी टू पी वी का पांच स्टेप्स आप अपने माइंड में फिर से रिकैप कर ले ताकि आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ सके। तो चलें यहां ध्यान दें, थोड़ा सा वेट करें, मैं जरा पेन आपका चेंज कर लूं, जो कलर है पेन का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है, कलर आपका जो है चेंज हो गया। हाँ, आइए यहां पर आपका है रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपका आ गया रूल नंबर फर्स्ट। मैंने बताया कि आज प्रेजेंट का सारा टॉपिक क्लियर करना है, तो बारीकी पूर्वक ध्यान दें कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो मैंने आपको टेंस में स्ट्रक्चर पढ़ाया अफर्मेटिव, ओके, आई हैव टाउट यू अफर्मेटिव सेंटेंस इन द टेंस, सेम टू सेम दिस स्ट्रक्चर इज यूज इन द एक्टिव वॉइस। इट मीन्स कहने का अर्थ ये हो गया कि टेंस के अकॉर्डिंग आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है अर्थात नंबर ए, उन सारे स्ट्रक्चर्स को वॉइस के अकॉर्डिंग हम नंबर ए के लिए क्या मानते हैं, एक्टिव वॉइस। इट मीन्स कि वॉइस का एक्टिव का सारा स्ट्रक्चर्स और टेंस का अफर्मेटिव का सारा स्ट्रक्चर्स सेम होता है। चाहे तो आप अपने कॉपी से मिला लें, जो आपको पढ़ाया गया था टेंस का लेक्चर नंबर वन और टू, उसमें आप प्रेजेंट पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा, उस पैटर्न को आप यहां मिलाएं तो क्या मिलेगा आपको कि टेंस का हर स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, ओके, केवल अफर्मेटिव का हर स्ट्रक्चर आपका एक्टिव को शो करता है। इट मीन्स कि दोनों क्या है, पैटर्न सेम है। हाँ, अंतर आता है तो पैसिव में, वो क्या अंतर आता है वो मैं आपको समझाता हूं। चलिए पहले देखें कि रूल फर्स्ट जिसका हेडिंग दिया गया पी भी,
आई टोल्ड यू अबाउट पी वी, पी फॉर पैसिव, वी फॉर वॉइस, पी वी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी सबसे पहले आज आपको पढ़ना है प्रेजेंट टेंस में नंबर वन कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है, यह कैसे बनाया जाता है। तो आपको मैं एक्टिव पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग, दोनों का एग्जाम्पल अलग अलग क्लियरली समझाऊंगा, बस आप समझने की कोशिश करें और इसे क्लास को एंजॉय करें। चलिए ध्यान दें, सबसे पहले तो आपका यहां पर दिया गया है ए भी एक्टिव वॉइस, यानी ये जो पैटर्न हो गया आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो गया कि एक्टिव में क्वेश्चन किस पैटर्न पे सेट रहता है। और नीचे आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, आंसर का पैटर्न जो क्या कहलाता है, पी भी। तो पहले हम बात करते हैं ए भी का। अकॉर्डिंग टू टेंस आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी हम चाहें तो अदर वर्ड को अलग से लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखें एक्टिव में आ जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी यूज वी वन और वी फाइव और लास्ट में दिया गया ऑब्जेक्ट। ये आपका पैटर्न हो गया क्वेश्चन का यानी एक्टिव वॉइस का। अब आ जाइए आंसर का पैटर्न जो कहलाता है पी भी। पी भी में क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट बट थोड़ा रखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां भी सब्जेक्ट और यहां भी सब्जेक्ट, ये गलत बात है, ये इसको आपको यूज नहीं करना है। बल्कि अकॉर्डिंग टू अ स्टेप फर्स्ट कि एक्टिव का जो लास्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, पैसिव का शुरू का सब्जेक्ट। इट मींस कि आप यहां जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट वो कहां चला आया, सब्जेक्ट के रूप में। ये आपका हो गया क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट जो आपको कल समझा चुका हूं। अब आया स्टेप नंबर टू, क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट बी यूज ए सुटेबल एजुलरी वर्ब। तो यहां देख रहे हैं वी वन है और वी फाइव है, तो ये वी वन ले लें और या वी फाइव ले लें, अकॉर्डिंग टू वी वन वी फाइव बी यूज इज एम आर। ओके, इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। अब हम इसके अनुसार इस तीन में से किसी एक को सेट करेंगे। ये आपका कितना हो गया जी, स्टेप नंबर टू। स्टेप थ्री में बताया गया था कि आपका दिया गया क्वेश्चन वी वन हो चाहे वी फाइव हो, नो इन मैटर, बट ऑलवेज यूज इन पी वी ओनली वी थ्री फॉर्म। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेप नंबर थर्ड। उसके बाद आइए स्टेप नंबर फोर में आ गया बाई, और जो शुरू में दिख रहा है सब्जेक्ट उसको कहां लेके चले हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट, किस फॉर्म में, स्टेप नंबर फाइव के फॉर्म में। तो ये था आपका पैटर्न। ओके, अब क्या करना है कि आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन सेट करना है और एक्टिव से पैसिव को बनाना है। चलिए देखिए, अब यहां आपने देखा स्ट्रक्चर किसका, एक्टिव का। अकॉर्डिंग टू एक्टिव स्ट्रक्चर बी यूज ए क्वेश्चन, करा नंबर वन यू टीच मी, आप मिला स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट आपका यू हो गया, वी वन और वी फाइव अकॉर्डिंग टू टेंस यू इज ए प्लुरल सब्जेक्ट और सिंगुलर बोथ, बट ऑलवेज यूज प्लुरल एजुलरी वर्ब। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आपका हो गया जी, यहां पर टीच जो वी वन को फॉर्म करता है सो, और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट जो आपका क्या है, मी। इट मींस कि हम यहां इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि यू हो गया आपका सब्जेक्ट, टीच हो गया वी वन और मी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब जो आपका दिया गया है पी भी, उस पी भी के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर को सेट करें, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। क्या, जरा ध्यान दें, मैंने क्या बताया, पहले सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रहे कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है यू, वो पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनेगा बल्कि ऑब्जेक्ट बनेगा पीछे जाकर के, इस बात को ध्यान देना है। ऐसा नहीं करें कि आगे यू है तो आंसर में भी आगे यू ही आएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो क्या करना है, जो मी है वो कहां आपका चला गया जी, किस रूप में, आई के रूप में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप। फिर यहां देखें स्ट्रक्चर आप कि ई जे एम आर में से कोई एक है, तो अकॉर्डिंग टू आई बी ऑलवेज यूज एम, ये आपका स्टेप नंबर टू हो गया। फिर आइए यहां करा क्या, तीसरा में वी थ्री फॉर्म, यहां टीच क्या है जी, वी वन फॉर्म है, इसको हम प्लर दे किस रूप में, टाउट के रूप में, ये आपका स्टेप नंबर थ्री हो गया जो किस रूप में आया है, वी थ्री के रूप में आ गया। स्टेप नंबर फोर क्या कहता है, आपको बाई लगाना है, लगा दिए, और लास्ट में बच गया स्टेप नंबर फाइव, तो आपका जो यू है उसे कहां लेके चले गए, पीछे, तो यहां पर किस रूप में आ गया, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टेप नंबर फाइव। एक बात और बता दूं कि यू इज ओनली वन सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बोथ। यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों साथ होता है।
अंतर यही है कि आगे आया तो सब्जेक्ट के रूप में और पीछे आया तो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया कि क्वेश्चन था यू टीच मी, आंसर क्या हो गया आई एम टॉट बाई यू। तो इस तरह से आप जो मैं बता रहा हूं, जिस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसी कॉन्सेप्ट से अगर आप बनाते हैं क्वेश्चन को तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं जा रहा है। दूसरी बात कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेटर से बेटर आपको हो जाएगा। इट मीन्स कि बस जैसे मैं समझा रहा हूं उसी पैटर्न को आप फॉलो करें, उसको समझें, ताकि हर क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। ये था आपका लॉन्ग मेथड। ओके, मैंने भी बताया कंटेंट में कि आपको इन शॉर्ट मेथड भी बताया जाएगा। तो जिन बच्चों को शॉर्ट मेथड समझना है वो डायरेक्टली समझें। यहां देखिए नीचे में आप नोट, आपका नोट लिखा गया है क्या कि भी वन भी फाइव ऑलवेज चेंज इन टू इज एम आर। यानी डायरेक्टली आपको सुनिए, आपको करना क्या है, पूरे टेंस में जब तक टेंस का चलेगा आपका वॉइस, ओके वॉइस जब तक टेंस का चलेगा, मतलब 12 नियम, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, जब तक आपका चलेगा टेंस का वॉइस तब तक आपको यही 5 स्टेप फॉलो करना होता है, स्टेप 1 से लेकर 5 तक। तो 1, 3, 4, 5 आपका फिक्स है, फिर सुने 1, 3, 4 और 5 फिक्स है। अंतर आता तो सिर्फ स्टेप नंबर 2 में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस वी ऑलवेज चेंज दियर एजुलरी वर्ब्स। आपका टेंस चेंज होगा या सब्जेक्ट चेंज होगा तो आपका सहायक क्रिया चेंज होगा, बाकी स्टेप नंबर 1, 3, 4, 5 आपको फिक्स है, वो अपने स्थान पर लगना ही लगना है, जैसे मैं बताया वैसे ही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर को आपको चेंज करना होता है। तो चलिए शॉर्ट में समझिए इसको कि इफ द गिवन क्वेश्चन हैज V1 और V5 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन वी ऑलवेज यूज इज एम आर। ओके, अगर किसी सेंटेंस में V1 और V5 दिया रहे तो ऐसे पैटर्न को हमेशा हम इज एम आर की सहायता से बनाते हैं। यानी स्टेप 2 में आपको इज एम आर में से कोई एक यूज करना है, बाकी सारा जो स्टेप है, जो सारा कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम लगा देना है। समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड कि जिस क्वेश्चन में रहेगा V1 V5 वो क्या कहलाएगा, इज एम आर में चेंज करना है। ओके, इस तरह था आपका क्या रूल नंबर 1 जो कहलाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो आई थिंक बच्चों आपने इसे समझ लिया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं नंबर 2 जिसका नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब आइए आप टेंस का नंबर दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं रूल नंबर 2, इसमें आपका दिया गया पीबी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो मैंने बताया आपको लॉन्ग मेथड भी पढ़ाना है और शॉर्ट मेथड भी पढ़ाना है। तो अगर नाम नहीं याद रहे, चलिए स्ट्रक्चर आप भूल जाएं, इन केस ऐसा हो सकता है कि चलिए आप स्ट्रक्चर भूल गए कि वो किस टेंस का है, तो जिस टेंस का स्ट्रक्चर भूल जाए, नाम भूल जाए, तो जो मैं शॉर्ट लिखा रहा हूं नोट में, जैसे मैंने क्या बताया नोट में भी कि V1 V5 के लिए हमेशा इज एम आर, उस नोट्स को कम से कम याद रखें तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो नोट जो आपको बताया गया है, इट इज द शॉर्ट मेथड ऑफ वॉइस हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको यहां पर नोट्स दिए जा रहे हैं, ये आपका दूसरा शॉर्ट मेथड है जिसे आप चाहें तो किसी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आए यहां देखें नंबर 2 दिया गया है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अब जैसे मैंने कंटिन्यूअस बोला होगा तो आपके मन में विचार आ गया होगा कि सर ने पढ़ाया था कि कंटिन्यूअस का अर्थ होता है V4। ओके, V4 का मतलब हम बोल सकते हैं कौन सा रूप, ING फॉर्म, बस बन गया क्वेश्चन। आइए आप देखें यहां पर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या दिया गया है कि पहले सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, अब प्लस V4। हम चाहें तो इस V4 को यहां पर इस फॉर्म में V1 और प्लस ING भी लिख सकते हैं। ओके, और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमको चेंज करना है किस रूप में, पैसिव। यहां भी वही 5 स्टेप फॉलो करना है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 रूल नंबर 1 में पढ़ाया कि पिछला पार्ट आगे तो अगला पार्ट पीछे। चलिए यहां पर जो आपका दिया गया क्या है ऑब्जेक्ट, वो क्या बन गया जी आपका, यहां रख के यहां बन गया आपका सब्जेक्ट। इसमें ई एम आर था, इसमें ई एम आर सेम टू सेम आ गया। अब समझे क्या है, जो जिस क्वेश्चन में, ओके ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जिस क्वेश्चन में आपका V4 दिया रहे, V4 मतलब ING फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो,
वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वी फोर है या नहीं, मीन्स कि आई एन जी फॉर्म है या नहीं। अगर भर्व के लास्ट में आई एन जी फॉर्म लगा हुआ है तो उस फॉर्म को जब भी चेंज करना होता है तो हमेशा क्या चेंज पड़ता है, आपका पड़ता है बीइंग में, बी ई आई एन जी बीइंग, ओके, यानी आई एन जी को पलटना है बीइंग में। बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा कि वी थ्री फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां भी क्या देखें कि पिछला जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना, तो अगला सब्जेक्ट कहां बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, तो इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए आप देखें पहले जरा नोट्स को। इन शॉर्ट शॉर्ट मेथड यूज करना जिन बच्चों को, वो नोट देखें कि जिस क्वेश्चन में भी फोर लगा रहे या आई एन जी फॉर्म लगा रहे तो डायरेक्टली आई एन जी क्या प्लट देना है आपको, बींग में, बी आई एन जी। बाकी सेम प्रोसेस आपका जैसे था वैसे चलते रहेगा। यहां पर समझे जरा, यहां पर करा कंटिन्यूस का कि आई एम हेल्पिंग हर। चलिए मान लिया जाए आप भूल गए कि आई एम हेल्पिंग हर किस सेंटेंस का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। यहां पर देखें क्या लगा हुआ है जी, आई एन जी, बस आई एन जी को क्या चीज चेंज करना है आपको, बीइंग में। बाकी सेम प्रोसेस वही बच गया आपका कि जो हर है आगे आ गया सी के रूप में, यह आई के लिए एम तो सी के लिए क्या लगेगा आपका, इज। आई एन जी प्लट गया किसमें, बीइंग में, बचा क्या, हेल्प। मैंने क्या बताया था कि पैसिव वॉइस हमेशा भीतरी, तो हेल्प आपका कैसे हो गया, हेल्प्ड में। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, जो अगला पार्ट आई है वो लास्ट में कहाँ चला गया, मी के रूप में। तो क्वेश्चन क्या था कि आई एम हेल्पिंग हर, तो क्या बन गया कि सी इज बीइंग हेल्प्ड बाई मी, ओके। इस तरह से क्या देखें कि जिस क्वेश्चन में आपका लगा रहेगा आई एन जी फॉर्म वो ऑलवेज पलटेगा किस फॉर्म में, बीइंग के फॉर्म में, और बीइंग के बाद क्या रहता है हमेशा, भीतरी। तो चाहे तो आप एक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इस तरह से कि पीवी में अगर आप लगाते हो बीइंग तो बीइंग के बाद क्या रहता है हमेशा, भीतरी। इस स्ट्रक्चर को चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हैं, इससे आपका क्या होगा कि कंटिन्यूस का सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ये था आपका रूल नंबर टू। इस तरह से आपने रूल वन प्रेजेंट का इंडेफिनिट, रूल टू प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड जिसका नाम दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। यहां जाए, यहां दिया गया रूल नंबर थर्ड जिसमें दिया गया है कि पी भी मतलब पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ही मैंने नाम लिया परफेक्ट का तो आपके मन में विचार आ गया होगा हैज या हैव और प्लस भी थ्री। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो क्या है, हैज ए प्लस भी थ्री। अब देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन मेरा पहले से भी थ्री बना हुआ है, ओके। तो द सेंटेंस विच हैव भी थ्री फॉर्म ऑलरेडी देन वी ऑल्सो यूज भी थ्री फॉर्म इन द पैसिव वॉइस, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए इसका देखें हम क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है जो एक्टिव को शो करता है कि पहले आपको देना है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी यूज हैज और हैव एनीवन। मैंने पढ़ा था टेंस में आपको और शॉर्ट में लिखाया था कि हैज हैव के साथ ऑलवेज क्या लगता है आपको, भित्री, और लास्ट में क्या डालना है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी वही प्रोसेस करना है, पांच स्टेप फॉलो करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि टेंस के सारे नियम में 1 से 5 तक के स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, उसी स्टेप से आपको सारे क्वेश्चन डील करने होंगे। तो देखिए आपका जो दिया गया ऑब्जेक्ट वो आपका यहां पर क्या बन गया आगे जी, सब्जेक्ट। अब याद रखें कि जब भी क्वेश्चन आता हैज तो हैज के साथ हमेशा क्या लगता है, बिन, अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस। यहां पर रहा हैव तो हैव के साथ भी बिन, यानी कह सकते हैं हैज पलटता है हैज बिन में और हैव पलटता है बिन में, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। ऐसा ना देखेंगे क्वेश्चन में हैज है तो डायरेक्टली हम आंसर में हैज भी पलट देंगे। हैज का हैज बिन होता है और हैव का हैव बिन होता है, बट हैज बिन और हैव बिन आर ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट ऑफ पी भी, नॉट ओल्ड सब्जेक्ट ऑफ ए भी, ओके। आपका भीतरी पहले से है प्लस बाई, और जो शुरू का सब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया आपका, यहां देखें आपका लास्ट में चला गया, लास्ट में आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेम प्रोसेस हम देख रहे हैं, वही चीज है। तो यहां पर डरने की बात ही नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है कि हमको सीखना है क्या है, करना क्या है। बस आप जो नोट लिखा रहा हूं मैं उस नोट्स को आप याद रखें। जैसे क्या हुआ कि पहला क्या लिखा है मैंने, वी1 वी5,
तो क्वेश्चन से आप पकड़ लोगे, अगर आपको टेंस कंप्लीट हो चुका है तो। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि बिना टेंस के आपके ट्वेल्थ का सारा चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होगा। हालांकि इलेवंथ में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिना टेंस के नहीं होते हैं। तो वैसे बच्चे जिनका टेंस छूट चुका है वो मेरे इस वीडियो को, पुराने वीडियो को, लेक्चर 1, 2, 3 जो टेंस टाइम एंड टेंस का, उसको देखें, उसे क्लियर करें, ताकि आपको वॉइस और सबसे स्पेशलिस्ट नरेशन ऐसे चैप्टर्स में दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि वॉइस और नरेशन 50% जो है आपका टेंस पे ही डिपेंडेड है। तो आई होप दैट कि आप जिन बच्चों का टेंस छोड़ चुका है या भूल चुके हैं वो फिर से वीडियो देख करके रिविजन कर लें। ओके, देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर टाइपिंग से गलती छूट गया। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, लिख के समझाता हूँ कि चलिए मान लिया क्वेश्चन अगर ऐसे रहा कि आई हैव टाउट हिम, और चलिए एक्स्ट्रा वर्ड हम लेते हैं डेली। आप सोच रहे हो कि सर आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, तो क्वेश्चन आसान सीखा जाता है, लेकिन उसी पैटर्न से फिर आगे हम क्वेश्चन को कड़ा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो तीन पैटर्न है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज आप पर विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए यहाँ पर माई फॉल्ट, ये मेरा क्या था कि जो टाइपिंग था एग्जाम्पल का वो छूट गया, तो मैं इसे अपने हाथों से यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपका वो किस फॉर्म में दिया गया जी, ए बी फॉर्म में। कि क्वेश्चन क्या होगा कि आई हैव टाउट हिम डेली, तो देख रहे हैं कि आई हो गया सब्जेक्ट, टाउट हो गया V3 और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। अब सवाल रहा डेली का, तो ऐसे वर्ड हम यहां पर लगा सकते हैं, कोई फर्क क्वेश्चन में पड़ने वाला नहीं है। डेली जो आपका हो गया यहां पर किस रूप में आ गया, OW यानी अदर वर्ड के रूप में। तो पहले जरा समझ लें कि अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट के अलावे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड रहे, मतलब अदर वर्ड रहे या कंप्लीमेंट रहे, तो अदर वर्ड या कंप्लीमेंट को V3 के जस्ट बाद लिखा जाता है। आई रिपीट इट, अदर वर्ड या कंप्लीमेंट को PV में V3 के जस्ट बाद लिखा जाता है। तो चाहे तो आप इसे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। वो क्या स्ट्रक्चर है जरा आप यहां ऊपर देख लें एक बॉक्स में, कि अगर कोई क्वेश्चन में OW रहे, ध्यान दें कि ये जो OW आपका है किसका है, AB का, जब हम PV में चेंज करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा जी, स्ट्रक्चर बन जाएगा हमेशा कि V3 प्लस OW, यानी पैसिव में OW को V3 के बाद रखें, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बाई, और लास्ट में चला जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दें कि OW जब भी लगता है या कंप्लीमेंट जब भी लगता है तो V3 के ठीक बाद, ओके, V3 के ठीक बाद, बाकी बाई और ऑब्जेक्ट है वो चला जाएगा लास्ट में। आंसर देखें यहां पर आपका, आपका यहां पर हो जाएगा क्या, PV, जो कि आपको शो करना है आंसर के रूप में। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले पिछला पार्ट को आया करना है। अब ध्यान दें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पिछला पार्ट आपका क्या है, डेली, तो डेली है जो पीछे है, मानते इस बात को कि डेली पीछे है, लेकिन डेली को हम आगे नहीं कर सकते, बिकॉज कि डेली इज एन अदर वर्ड, ये क्या है, अदर वर्ड है। हाँ, पिछला पार्ट आगे आएगा कब, जब वो मेन ऑब्जेक्ट होगा तब, इस बात पर ध्यान देंगे, आगे बहुत परेशानी होगी, इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए अभी ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि अगर किसी क्वेश्चन में सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट के अलावे पीछे में कोई अदर वर्ड या कोई कंप्लीमेंट रहे, तो डायरेक्टली आप पिछले वर्ड को आगे सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, बिकॉज कि वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पिछला वर्ड आगे आता है कब, जब वो मेन ऑब्जेक्ट होता है तब। ओके, इस क्वेश्चन में देखें कि आपका डेली जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए डेली आगे नहीं आएगा। मान लिया क्वेश्चन रहता इन द मॉर्निंग, सपोज दैट इन द मॉर्निंग रहता सबसे लास्ट में, तो क्या आप इन द मॉर्निंग को या केवल मॉर्निंग को आगे करते, नहीं, नेवर, कभी नहीं। तो करते क्या कि उसके ठीक पहले आप देखते कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसे आप सब्जेक्ट रूप में आगे करते, तो इस बात पर ध्यान देंगे। चलिए आपका यहां पर आ गया आपका हिम क्या है जी, ऑब्जेक्ट, इसे आप बदलिए सब्जेक्ट के रूप में, तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ही। आपका देख लें स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट क्या बन गया, ही, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज, तो या हैव, तो ही के अनुसार क्या लगता है आपका, हैज, बट पी भी आपको हैज के साथ हमेशा क्या लगाना है, बिन, प्लस भीतरी आइए, आपका भीतरी क्या है,
पहले से है टाउट, अब अदर वर्ड की बात करते हैं। मैंने यहाँ समझाया, देखिए ध्यान दे, आप इस पैटर्न को क्लियरली समझ लें जिसे मैं आपको घेर दिया हूँ पर, कि अगर ए भी में अदर वर्ड रहे तो पी भी में भी थ्री के बाद अदर वर्ड को लगाया जाता है, अब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो टाउट के बाद यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डेली, उसके बाद आ जाएगा प्रीपोजिशन बाय, और आए क्या है जी, आई, तो आए का मी, यह हो गया शहीद। ओके चलिए, जिन बच्चों को समझना है इसका शॉर्ट ट्रिक कि प्रेजेंट परफेक्ट का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो यहां ध्यान दें, क्वेश्चन अगर रहेगा हैज तो हमेशा पलटेगा हैज बिन में, अगर रहा हैव तो पलटेगा हैव बिन में, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट ऑफ पी भी, पी भी में नए सब्जेक्ट बनने के बाद ही वो चेंज होगा कि हैज बिन लगाना है कि हैव बिन लगाना है। ऐसी गलती ना करें कि जो क्वेश्चन में है वो सेम टू सेम आंसर में लिखें। सपोज दैट क्वेश्चन रहा आई हैव, जैसे यहां देखें क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया हैव, तो हैव के अनुसार मैंने क्या होता है कि हैव चेंज होता है किसमें, हैव बिन में, तो आपको ही हैव बिन लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है हैज, तो क्वेश्चन पलट गया, वो पलट गया हैज बिन में। तो इस बात को आप अकॉर्डिंग टू टेंस आप ध्यान देंगे कि कहां पर कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ओके तो ये था आपका नोट नंबर थर्ड। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया, रूल नंबर फोर, जिसका नाम क्या है कि पीवी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि हैज बीन या हैव बीन प्लस वी फोर। तो इसमें क्या बातें हैं जरा सीख लें इसके बारे में। नंबर फोर जिसका एक्टिव दिया गया है एज ए क्वेश्चन कि पहले सब्जेक्ट फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सिंस फॉर प्लस टाइम को जरूरी नहीं है, ये स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, तो हम सिंस फॉर प्लस टाइम लगाना होता है, लेकिन अब यहाँ पर सिंस फॉर टाइम का प्रयोग करे अथवा ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए ध्यान दें, इसमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में पहले से हैज हैव है, लेकिन क्वेश्चन में पहले से मेरा बिन लगा हुआ है, तो बिन होने के वजह से इसका जो पी भी होगा वो क्या लिखाएगा, नो चेंज। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर एक्टिव दिया गया है तो उसका पैसिव चेंज होता ही नहीं है, पैसिव नहीं बदलता है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, नो चेंज। डायरेक्टली क्या लिखना आंसर, नो चेंज। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है यानी हैज बीन या हैव बीन के साथ क्वेश्चन है, तो आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, नो चेंज। जैसे आप यहां देख लें एग्जाम्पल, कह रहा है कि सी हैज बीन, ऐसा क्यों हुआ समझे, अगर क्वेश्चन सिर्फ हैज होता तो पलटता किसमें, हैज बिन में, लेकिन यहां देख रहे हैं बिन मेरा पहले से लगा हुआ है, तो बिन होने की वजह से इसका जो आंसर हो गया आपका जो यहां पर क्या है, आपका पी भी। ओके ये आपका जो पी भी हो गया वो क्या हो गया, नो चेंज, जो कि सही है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना के बराबर पूछे जाते हैं, काफी कम पूछे जाते हैं या रहते भी नहीं है, फिर भी नियम को सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो कैसे सीखेंगे इसके लिए, तो इसका देखिए आप लॉन्ग मेथड तो हो गया, आइए शॉर्ट मेथड। कह रहा है कि क्वेश्चन पहले से हो हैज बिन या पहले से हो हैव बिन, मतलब हैज के साथ बिन लगा हो पहले से एक्टिव में ही और हैव के साथ बिन हो पहले से, तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखना है, नो चेंज। तो ये था आपका शॉर्ट मेथड। लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया नंबर दो में, रूल नंबर टू में, कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस टेंस कि वेयर इज द यूज बी फोर देन वी ऑलवेज यूज बीइंग फॉर्म। तो चलिए मैं समझाता हूँ, कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ रहा है ये पार्ट, आप यहाँ देख लें कि हेल्पिंग में क्या दिया गया आपका, आई एन जी। तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग में हम चाहें तो हेल्पिंग में जो आई एन जी है उसको हम किस रूप में, बीइंग, ओके, बी ई आई एन जी, बीइंग में ले आकर बदल सकते हैं। तो ये रूल आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ओके ये रूल आप यहां फॉलो कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कि दे हैव बीन, मैं चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को कि दे हैव बीन बीइंग, ओके दे हैव बीन बीइंग, यानी आप चाहें तो इसका पैसिव एक तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे आ जाए कि पहले दे, क्योंकि पीछे क्या था, देम, दे हो गया, अकॉर्डिंग टू दे बी ऑलवेज यूज हैव प्लस बीन ना कि हैज बीन, तो क्या हो गया, दे हैव बीन। अब यहां देखें आई एन जी, तो आई एन जी के लिए क्या लगता है जी, आई एन जी के लिए बींग, मैंने लिखाया था कि बींग के बाद हमेशा भित्री, तो हेल्प्ड, प्रीपोजिशन बाई, और सी का क्या होता है, हर, ये बन गया।
तो आंसर क्या होगा आपका कि दे हैव बीन बींग हेल्प्ड बाय हर। लेकिन किताबों में बाय रूल्स ऐसा कहा जाता है कि एक ही सेंटेंस में बीन और बीइंग, मतलब एक ही पैसिव वॉइस में बी और बीइंग का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपने जो आंसर बनाया, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत। ओके, तो गलत सीखने से बेहतर है कि कुछ बेहतर सीखें, अच्छा सीखें। तो देखें तो आप ये जितना लंबा चौड़ा बनाइएगा बीन प्लस बीइंग, इससे बेहतर क्या है कि डायरेक्टली आंसर क्या लिखा है, नो चेंज। तो इन शॉर्ट क्या समझ लें इसको, कि वैसा कोई एक्टिव वॉइस जिसमें बीन पहले से लगा हो, बी डबल ई एन। ओके, आई रिपीट इट कि द सेंटेंस भीच हैज बीन और हैव बीन ऑलरेडी यूज्ड इन ए बी फॉर्म, देन बी ऑलवेज यूज नो चेंज, वनली नो चेंज इन द पैसिव फॉर्म। यानी जिस क्वेश्चन में पहले से बीन लगा हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में नो चेंज लिखना उचित होता है। तो इस बात पर अब ध्यान देंगे। तो इस तरह से क्या देखें कि आपका प्रेजेंट का जो चार टॉपिक था वो आपका हो गया क्लियर। पहला प्रेजेंट का इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इन सारे टॉपिक्स को मैं एक शॉर्ट समरी में मात्र चार लाइन में आपको समझाता हूं, जो आपको बहुत आसान तरीके से होता है एक शॉर्टकट ट्रिक, आसान तरीका, उसे समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर ध्यान दें आप, यहां जाए इस बॉक्स में आप ध्यान समझें कि कैसे समझना है। जो आप पहला देखें कि अगर मान लिया क्वेश्चन रहता भी वन या भी फाइव, तो इसको आप आसान से पलटेंगे क्या किस रूप में, इज, एम या आर में। ये आपका हो गया रूल नंबर फर्स्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का। ओके, रूल टू में आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है कि आपका पहले से इज या एम या आर, अब प्लस क्या रहेगा भी फोर, इसका क्या चीज पलटना है जी, इज में, एम में, आर में, और प्लस जो आई एन जी है उसे किस में पलटना है, बीइंग में, और बीइंग के बाद हमेशा भी थ्री फॉर्म। आइए अब यहां सीखे हम कौन सा नंबर थर्ड, जो भी आसान है। अगर क्वेश्चन आपका हैज है, आपका जो पीवी होगा वो क्या हो जाएगा, हैज बिन। इन केस अगर आपका हैव है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हैव बिन। अब आइए लास्ट नंबर चार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में मेरा पहले से रहता है हैज बिन, और नहीं तो क्वेश्चन में रहता है पहले से क्या, हैव बिन। इन बोथ केसेस वी ऑलवेज यूज नो चेंज। यह था आपका शॉर्ट ट्रिक। तो चाहे तो जो मैं आपको शो कर रहा हूं 1 2 3 4, ये चारों को आप एक कॉपी पे, एक नोट डायरी पे आप नोट कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो मैंने पहले बताया था जिन बच्चों को लॉन्ग समझ में आवे वो लॉन्ग मेथड से पढ़ें, जो आपका क्या होगा स्ट्रक्चर वाइज, पहले ए बी का स्ट्रक्चर, फिर पी बी का स्ट्रक्चर, फिर उसका एग्जाम्पल। लेकिन जिन बच्चों को क्विकली समझना है, डायरेक्टली समझना है, तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है रूल 1 2 3 4, चारों में क्या है कि भी वन या भी फाइव, तो इज एम आर, इज एम आर प्लस भी फोर रहेगा तो इज एम आर प्लस बींग प्लस भी थ्री, फिर आपका मान रहेगा हैज तो हैज बिन में, हैव तो हैव बिन में, बट अकॉर्डिंग टू दियर न्यू सब्जेक्ट ऑफ पी भी। फिर रहा क्वेश्चन में हैज बिन या हैव बिन, आपको क्या लिखना, नो चेंज। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि इस तरह से सारा टॉपिक जो हो गया आपका हो गया क्लियर। पूरे प्रेजेंट को आपको मैंने फिनिश कर दिया, चारों पार्ट को, बाय लॉन्ग मेथड और बाय शॉर्ट मेथड। अब सवाल ये उठता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हो। ओके, तो एज ए प्रैक्टिस मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर आपके पास घर में ऑक्सफोर्ड, ओके, ऑक्सफोर्ड ग्रामर का अगर बुक है, वो भी कौन सा, सीनियर, ठीक ना, सीनियर बुक है किसका, ऑक्सफोर्ड ग्रामर का, तो आप निकालेंगे एक्सरसाइज 55 और सारे क्वेश्चन को वन से लेकर जितना लास्ट है बनाएंगे। तो एज ए होमवर्क नोट कर लेना बच्चों कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर सीनियर, मतलब मोटा बुक, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 55, जिसे आप आज प्रैक्टिस घर पे करेंगे। आफ्टर प्रैक्टिस या ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करें या फोन करें और पूछें कि सर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, ताकि मैं कल के क्लास में आगे का लेक्चर शुरू कर सकूं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। आज का टॉपिक जो था नंबर वन, मैंने उसको पूरा कर दिया, प्रेजेंट को पूरा फिनिश कर दिया दोनों मेथड से, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। अब सवाल ये करता है कि भाई ऑनेस्टली आप लोग कितना होमवर्क पूरा करते हो,
लेकिन होमवर्क पूरा करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक देखें, एक बार नहीं दो बार देखें, समझें कि कौन से पैटर्न को मैंने कहाँ पर अप्लाई किया, कैसे किया। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे आसान तरीका जो शॉर्ट मेथड है वो आसान लगता है, आप उसको ही फॉलो करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए इस तरह से आपका चार जो है स्ट्रक्चर, चारों का एक्टिव से पैसिव विद एग्जांपल आपको मैंने क्लियर कर दिया। एज ए होमवर्क आपको ऑक्सफोर्ड का एक्सरसाइज 55 बनाना है। तो आज का क्लास बस इतना ही, कल के क्लास में कुछ और रोमांटिक और अच्छे बातें होने वाला है, जिसमें आपको चलेगा कौन पास्ट का। तो जिस तरह से आज का कंटेंट चला प्रेजेंट का, तो कल के क्लास में, कल के लेक्चर 4 में, यानी वॉइस का जो लेक्चर 4 होने वाला है, उसमें आपको होगा क्या पास्ट का सारा टॉपिक। तो पास्ट में कुछ नए नए बातें आएंगे, कुछ नए नए चीजें आएंगे जो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो चलिए इस तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहें।